का अटेंडेंस देख लो, 95% से कम नहीं मिलेगा, मिनिमम हुआ तो 90%, वो भी तब जब इस साल इनका एडमिशन दूसरे स्कूल में हुआ है। हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ पर और कोशिश करेंगे इस यूपीएससी सीरीज़ में उनके लाइफ का पूरा सिलेबस कवर करें। तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, आप उनके घर जाके देखिए, उनके आसपास के लोगों को जज करिए। जैसे उनके पिताजी, जब भी आप उनसे मिलेंगे बिल्कुल काम की बातें, पढ़ाई कैसी चल रही, पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ सुना हूँ, और ये बड़े भाई की कोचिंग कहाँ चल रही, और अपना भी जो भी जॉब या काम करते हैं वो भी बिल्कुल पंक्चुअलिटी से, एकदम स्ट्रिक्टली। और दूसरों के घर चले जाइए, ओहो पिताजी 9 बजे से पहले तो उठेंगे नहीं, और उठती ऐसा एक्सरसाइज के नाम पे धोखा, ऐसा या 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 बाप रे, बस इससे ज़्यादा करेंगे पसीना आ जाएगा, जाके फिर से थक के सो जाएंगे, और उठते ही ऐसा अरे यार कुछ चाय भजिया हो जाता तो मज़ा आ जाता, बस फिर दिन भर खूब सारा भजिया खा के पूरे घर में धमाका करते फिरेंगे। और ये भी नहीं कि आई है तो जाके थोड़ा धीरे से कोंटे में कर लें, लुंगी पहन के बीच बाजार में करना है, और अगर कोई उनको देखे कि अरे यार हो तो कहते अरे तो भजिया जितना धमाकेदार था लोगों को पता भी तो चलना चाहिए। अरे ऐसी मम्मी, उनके यहाँ चले जाइए तो बिल्कुल घर का सारा काम करती रहेंगी सुबह से, बच्चों को थोड़ा भी नहीं करने देती, कहती जाओ तुम लोग पढ़ो मैं कर लूँगी। और बाकियों के यहाँ जाइए, ओहो सुबह से एक ही घर पे दूर दूर के चुगलखोर अतिथि विद्वान आए रहते हैं, और जैसे ही आते हैं चाय चढ़ा होता है, फिर अपना कार्यक्रम शुरू करते चुगली चकल्लस का, और कोई भी टॉपिक ना तो ऐसा बैठ के, अरे पता चला मिश्राइन सस्ते में बहुत सारा ज़मीन खरीदी है, 3,000 रुपये डिस्पिल, कहते अरे यार कैसे बेवकूफ़ लोग रहते हैं जो बेच देते हैं इतने सस्ते में, थोड़े दिन रुक जाते डबल में जाता, बेवकूफ़। एक महिला मुंह फुला के बैठी, कहती है तेरे को क्या हुआ, कहती हम ही लोग तो बेचे हैं, अगर चाय नहीं चढ़ा होता ना तो इतना अपमान में सहन नहीं करती, चली जाती यहाँ से। और भाइयों का ले लो, अगर बड़े भैया हुए तो टीचर से ज़्यादा तो घर में ये मैथ्स पढ़ा देते थे, और अगर छोटे भाई हुए तो बहुत आज्ञाकारी, जो भी बोले फटाक से। और हमारे यहाँ ले लो भैया, साइकिल तो होता नहीं था हमारे पास, बड़े भाई से मांगना पड़ता था उधार, तो ऐसे जाते कि भाई वो थोड़ा जाना है साइकिल, वो सुनाने लग जाता, मौका मिल गया, पढ़ना लिखना है नहीं दिन भर घूमना। मैं बोला सुना है त्रिपाठी मैडम घसीट के मारी स्कूल में, कहता वो तो कमलेश फंसा दिया था इसलिए, है ले चाबी ले चल जा घूम, मम्मी को नहीं बताना समझ रहा। और वैसे ही दीदी, उसको भाई से ज़्यादा जानवरों से प्यार है, ले आई थी एक छोटा वाइट कलर का, इतना सर पे चढ़ा के रखी थी उसको, मेरे को सुबह से ही देख के ओए अरे यार थोड़ा चाय टमाटर हो जाता तो मज़ा आ जाता, इतना गुस्सा आता था, मन करता था उसको छत में ले जा खुला छोड़ दूँ और वेट करूँ कब बिल्ली आए। एक बिल्ली आई भी देख रही बैठ के, मैं बोला हे हमला करना, कहती नहीं भैया दीदी को पता चलेगा टॉमी के साथ पूंछ बांध देगी, फिर ज़बरदस्ती सारे मोहल्ले में ऐसे सात फेरे लेते घूमना पड़ेगा, मतलब उनका पास चले तो मगरमच्छ ले आए, और जब मेरी मुंडी उसके मुंह में हो तब भी कोई फर्क नहीं, कहेगी ओह सो क्यूट। और इनका अटेंडेंस देख लो, 95% से कम नहीं मिलेगा, मिनिमम हुआ तो 90%, वो भी तब जब इस साल इनका एडमिशन दूसरे स्कूल में हुआ है, और हमेशा कॉपी कंप्लीट, और सिलेबस जितना कवर हुआ है सारा याद है, 90% तो ये क्लास में ही कवर कर लेते थे सुन के। और हमारे पास आइए, हमारा अटेंडेंस देखिए जाके स्कूल के रजिस्टर में, जैसे ही खोलेंगे तो धूम टू में जो ऋतिक रोशन चोरी करने के बाद वो एक निशान नहीं छोड़ते था, बस एज इट इज़ अपसेट मारे एक निशान छोड़े,
और कॉपी कंप्लीट के नाम पे हमको बस इतना अच्छा लगता था, जुलाई में जैसे स्कूल खुला, खरीद लिए नए कॉपी पुस्तक, जिल्द चढ़ाए मस्त, एकदम मज़ा आता था। रात को चढ़ाते थे कैंची वैची लेके, और ऐसा पॉम्पलेट लगाए, स्टिकर, नाम लिखे, बस वहीं तक का सफ़र था हमारा और कॉपी का। फिर सीधा वेट करते थे कैसे भी करके पास करें और जाएं गर्मी छुट्टी में मामा गाँव, फेवरेट वो तो। फिर वहाँ भी पहुँचे एक सप्ताह में बोर, बाहर इतना धूप है, दोपहर में ऐसा खिड़की से बाहर देखते हुए, अरे यार कब स्कूल खुले, जिल चढ़ाएं। और याददाश्त के नाम पे सिलेबस कुछ याद नहीं, बाकी दुनिया भर का कुछ भी पूछ लो, अगले रॉ स्मैकडाउन में किसका किसके साथ मैच है, कौन जीतेगा, इस बार खली रे मिस्टीरियो का पूंछ से उठा के घुमा के कितना दूर फेंकेगा, सब। और वो पढ़ाई का भी काम करते थे, घर का भी काम, पता नहीं कैसे कर लेते थे मैनेज, हमसे ना तो स्कूल का काम हो पा रहा है ना तो घर का, ऐसे टीवी देखते रहते हैं, पीछे से मम्मी, राजा जा तो माचिस लेके आ, माचिस, झगड़ा हो जाता था इसी के नाम से, क्या रे यार इसी टाइम पे बोलते हो, पहले नहीं बोल सकते थे। फिर बगल के दोस्त को, ए जा तो अभी काम चलाने के लिए माचिस लेके अपने घर से, वो कहता विज्ञापन आएगा तो जाऊंगा। और हम लोग स्कूल के काम में हमेशा फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते थे, क्या रे यार कल सुबह कॉपी कंप्लीट कर लेंगे ना, रात को पढ़ेंगे क्रिकेट खेल के आगे, है ना, हाँ हाँ अरे कल छुट्टी मार देंगे। और बाकी दुनिया भर के काम के लिए अब भी होना तुरंत, दोस्त कहता शाम को क्रिकेट खेलने चलेंगे, कहता शाम को क्यों अभी चलते हैं ना, बारिश हो गई तो, कहता कल सुबह तालाब नहाने जाएंगे, है कल क्यों अभी चलते हैं ना, तालाब सूख गया तो, हे परसों उसका बर्थडे पार्टी लेंगे, परसों क्यों अभी लेते ना, मर मुरा गया तो, और एग्जाम में परसेंट कर ले लो, 90% से इनका 1% भी कम आया, ऐसा तमाशा करते, ओहो देवदास बन जाएगी, घर में घुस गए बात ही नहीं कर रहे किसी से, गुमसुम, ऐसा लगता है बाहर निकलेंगे तो मोहल्ले वाले गधे में बिठा के चप्पल उप्पल का हार पहना के घुमा देंगे। और हमारा देख लो 33 से 1% भी ज़्यादा आया, पूरे मोहल्ले में सहनाई बच जाती थी, लड्डू बटरी भाई साहब, ओहो जैसे ही ऐसा रिजल्ट देखा, ओहो बम लेके सीधा फोड़ देते, धरती के साथ बगल में सोई किसी की दादी झनक जाती, दादी पूछती आह क्या हुआ, कहते दादी पास हो गए, अरे बेटा तू पास हो गया तो खुशी की बात है, अगर मैं हो गई ना पूरे मोहल्ले में मातम छा जाएगा। और इनको इमेज बना के रखनी है सबके साथ, परिवार में, टीचर्स के साथ, दोस्तों की फैमिली में, हमारा देख लो परिवार के साथ इमेज के नाम पे बचपन में जो खिंचाया था वो है बस, और बाकी टीचर्स वो तो परसेंट देख के सबको कैटेगरी में बांट दिए होते हैं, 90% वाले ये अधिकारी बनेंगे, बीच वाले टीचर तो बन ही जाएंगे, उससे नीचे ये वो है जो विधायक के पीछे घूमेंगे, छुट्टन भैया जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा छुट्टन भैया बर्बाद रहेगा। और दोस्तों की फैमिली में इमेज, ओहो प्रशांत अजय से कहता भाई मम्मी मना करी ही तेरे साथ घूमने से, सॉरी, अजय कहता मना बस, मेरी मम्मी किसी को 10,000 दी तेरे को मरवाने के लिए, वो तो मैं बोला अरे मेरे को 1,200 दो मैं मार दूंगा। और ऐसा नहीं कि खाली पढ़ाई में तेज है, कुछ भी करा लो, तो ऐसे ही बचपन में दुर्गेश के साथ कंचे खेल रहा था, तो कंचे में हम लोग ढूस खेलते थे, ऐसा गोला बना के 10-20 बाटियाँ रख के उसमें एक उड़ाते थे फिर दूसरे का कंचा मारते थे, पड़ गया तो ढूस मतलब हार गया, तो ऐसे ही दुर्गेश एक उड़ा लिया था, अब मेरे कंचे को देख रहा था, मैं उससे दूर भाग रहा था कि भैया हारना नहीं, तो मैं 6 मीटर दूर फेंक दिया, जैसे ही फेंका दुर्गेश उसको देख के कहता हाँ हाँ रख 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 हट 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 जा छूना नहीं उठाना नहीं हट, मैं बोला यार ऐसा क्या निशाने पे आ गया 6 मीटर दूर है, कहता हट हट हट, फिर ऐसा कंचा पकड़ के अपना घुमा रहा, 2 बार घुमाया, फिर अपने असिस्टेंट से कहता उठा ले सब उठा ले, मैं बोला ए भाई पहले मार तो फिर तो, अरे देख तो है देख, इतनी जोर से मारा है मेरा कंचा बिग बैंग थ्योरी की तरह फट के 4 हो गया। और ऐसे गुल्ली डंडा इच्चक दुच्चक खेलते थे, ऐसा बैट बॉल की तरह डंडे से गिल्ली को ऐसा इच्चक दुच्चक तिच्चक चौचक, जिसका ज़्यादा हुआ वो पनिशमेंट देता था सामने वाले को, तो जितनी बार वो उछाला है उतनी बार गिल्ली को दूर मार के आता था, और वहाँ से फेंकना है ज़मीन में, ऐसा डंडा रख दिया उसी को टच कराना है,
अब भैया इतना दूर मारा मैं तो, तीन बार भी फेंकू ना तब भी यहां तक नहीं आए, तो आधे घंटे से पनिशमेंट दे रहा, 2 रुपए देता था तब जाकर छोड़ता था, ऐसी कर करके वो मेरा कम से कम 150 रुपए लिया है बचपन में, इतने में तो मैं 2 एकड़ जमीन ले लेता उस टाइम। और क्रिकेट की बात, दुर्गेश बनता था हमेशा कैप्टन, और मैं वो कि अगर टोटल 15 लोग हैं तो 7 इधर 7 इधर, तू दोनों तरफ खेलेगा। दोनों तरफ खेलने का मतलब मालूम है, अगले वीडियो में बताता हूँ।